A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 1, word basket. So let's start. First one is dust. Dust ka meaning kya hai? Fine dry powder, especially tiny particles of sand. Dust kya hota hai? Dhool hoti hai. ओके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सैंड के रेत के. ओके नेक्स्ट इज फायरी. इट मींस कंसिस्टिंग ऑफ और रिसेम्बलिंग फायर. मींस फायरी मींस जो आग की तरह हो या फिर चमकता हुआ कुछ हो. ओके नाउ नेक्स्ट इज नैरो. नैरो क्या होता है? ऑफ स्मॉल विड्थ इन कंपैरिजन टू लेंथ. ओके इट मीन्स संकीर्ण. नैरो मीन्स संकीर्ण. नेक्स्ट इज क्लैटर्स. क्लैटर्स मीन्स टू मेक कंटिन्यूस लाउड नॉइजेस बाय हिटिंग हार्ड ऑब्जेक्ट्स. क्लैटर्स क्या होता है? क्लैटर्स मीन्स खटखटाना. मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट पर बार बार मारना जिससे क्या एक आवाज़ें आती हैं ना उससे खटखटाते हैं हम किसी भी चीज़ को तो उससे आवाज़ें आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैटर्स. नेक्स्ट इज ट्रैम्प. ट्रैम्प मीन्स वॉक हैवीली और नॉइजली. मीन्स आवाज़ करके चलना बहुत तेज़ आवाज़ करके चलना. नेक्स्ट इज स्ट्रगल्स. स्ट्रगल्स मीन्स मेक ग्रेट एफर्ट्स. मीन्स बहुत सारे किसी भी काम को करने में कुछ भी करने में बहुत सारे एफर्ट्स लगाना. ओके नेक्स्ट इज स्पाउट. स्पाउट क्या होता है? अ स्ट्रीम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट. स्पाउट क्या होता है? जिसमें से एक स्ट्रीम टाइप का होता है जिसमें से लिक्विड मतलब पानी वगैरह जैसी चीज़ें निकलती हैं. ओके ये क्या है? एक पाइप टाइप में होता है पाइप या ट्यूब जिसमें से लिक्विड बाहर आता है. नेक्स्ट इज मडी. मडी मीन्स मिक्स्ड इन मड. नॉट ब्राइट और क्लियर. मीन्स क्या होता है? मडी मीन्स मीन्स मिट्टी में मिलना. कोई भी चीज़ मिट्टी में मिल जाती है मडी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मडी. ओके स्टूडेंट्स ये कुछ मीनिंग्स हैं. ये आपको आपकी फेयर नोटबुक में पहले चैप्टर लिखना है आपको चैप्टर नेम उसके बाद ये आपको वर्ड बास्केट लिखकर ये सारे मीनिंग्स नोट करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में. ओके नाउ अब हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन स्किल. इसमें ए पार्ट देखते हैं. ए पार्ट है टिक द करेक्ट आंसर. करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा उसको हम टिक करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर द. रेन बहुत सुंदर होती है. कब होती है? आफ्टर द डस्ट हीट या फिर बोथ. कब लगती है सुंदर? मैं धूल मिट्टी और ये सब धूप के बाद अच्छी लगती है तो हम किस में क्या किस पे टिक करेंगे? बोथ. तो हम कर देंगे बोथ पर टिक. नेक्स्ट इज द रेन क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ. वो जो रेन की जो खटखटाहट जो बारिश की जो खटखटाहट आती है रूफ पर वो कैसी लगती है? ट्रैम्प ऑफ हूप्स ब्लो या फिर फॉल. किसकी तरह लगती है? हूप्स की तरह. तो हम हूप्स पर टिक कर देंगे. ओके नेक्स्ट इज द रेन वाटर गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द ओवरफ्लोइंग. जो बारिश का पानी होता है वो क्या करता है? वो क्या होता है? वो जब वो बहुत सारा हो जाता है उसकी जब बौछार होती है और वो जब बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है बहुत फोर्स लगाता है बाहर निकलने के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेन स्पाउट या फिर रिवर. क्या बोलेंगे इसको? हम स्पाउट बोलेंगे. तो हम स्पाउट पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट इज इन द नैरो स्ट्रीट द रेन वाटर फ्लोज. जो संकीर्ण जो गलियाँ होती हैं उसमें पानी कैसे बहता है? स्लोली सैडली या फिर स्विफ्टली. कैसे बहता है? स्विफ्टली. तो हम इस पर टिक कर देंगे स्विफ्टली पर. ओके नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट. बी पार्ट में क्या दिया हुआ है? कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम. इसमें हमको पोएम की लाइन्स कंप्लीट करनी है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट नंबर है हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द. क्या फिल करेंगे इसमें? रूफ्स. नेक्स्ट इज लाइक द डैश ऑफ हूफ्स. इसमें क्या फिल करेंगे? ट्रैम्प्स.
like the tramps of hoofs. Next is how it dash and struggles out. इसमें हम fill करेंगे gushes. Okay. Next is from the throat of the dash spout. इसमें हम क्या fill करेंगे overflowing. From the throat of the overflowing spout. Okay. Now. वर्ड पावर पार्ट ए, इसका हम पार्ट ए देखते हैं. रीड द पोइम एंड लुक एट द लास्ट वर्ड इन ईच लाइन. हमको पोइम रीड करनी है और उसका लास्ट वर्ड देखना है हर लाइन का. ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल दिया हुआ है रेन का लेन. ओके, रेन हैज़ द सेम साउंड एज लेन. इसका साउंड सेम है ना, रेन लेन साउंड सेम है. Now pick out other rhyming words from the poem for the following. तो आपके पास देखिए words दिए हुए हैं, इसके लिए भी हमको rhyming words लिखने हैं. चलिए first देखते हैं heat. Heat का क्या है? Street. Okay, now roofs. Roofs का hoofs. Next out. Out का spout. Next pores. Pores का roars. Next is wide. Wide का tide. नेक्स्ट इज रेन. रेन का पेन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लुक एट दीज वर्ड्स. चॉक साइन राइट नो बॉम्ब. इन ईच वर्ड्स द अंडरलाइन वर्ड इज साइलेंट. ये देखिए जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं ये सब साइलेंट हैं. देखिए चॉक में देखिए हमने एल का यूज नहीं किया, साइन भी बोले तो इसमें जी का यूज नहीं किया, राइट बोला है तो डब्ल्यू का यूज़ नहीं किया, नो बोला है, बॉम्ब बोला है तो बॉम्ब नहीं बोला ना, बॉम्ब बोला है ना, इसलिए ये सब क्या है वर्ड्स साइलेंट है. इसमें ये जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं. वी डू नॉट प्रोनाउंस सच लेटर्स इन स्पीच. हम इसको बोल मतलब इन वर्ड्स को यूज बोलते टाइम यूज़ नहीं करते हैं. यूज़ द क्लूज एंड कंप्लीट ईच वर्ड बिलो विद वन ऑफ दीज साइलेंट लेटर्स, देन से द वर्ड्स अलाउड. मेक श्योर यू डू नॉट साउंड द साइलेंट वर्ड. अब देखते हैं हमारे पास नीचे भी ऐसे ही कुछ दिए हुए हैं, उसको भी उसमें भी हमको साइलेंट वर्ड्स यूज करने हैं. देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, जी बी डब्ल्यू एल के एंड टी. देखिए फर्स्ट वन इज ही रिपेयर्स योर टैप्स. कौन रिपेयर करता है हमारे टैप्स? प्लम्बर. कौन करता है? प्लम्बर. ओके, तो इसमें क्या है, बी साइलेंट है. At the end of a letter, you dash your name. आप जब letter लिखते हैं तो आप अपने name को क्या करते हैं, sign करते हैं ना. तो इसमें देखिए sign में देखिए S I, इसमें देखिए dash में क्या लिखेंगे, G. G क्या है, एक silent word है. Okay, now next is you have 8 fingers and 2 of these on your hands. देखिए हमारे hands में क्या है, 8 fingers होती हैं और 2 क्या होते हैं, थम्स. क्या होते हैं, थम्स. तो इसमें क्या साइलेंट है, बी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी. नेक्स्ट इज यू कैन टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इनटू दिस. कैसे, किस चीज़ को टाई करते हैं हम, टाई में किस चीज़ को करते हैं, क्या बनाते हैं उसमें हम, नॉट बनाते हैं. क्या बनाते हैं, नॉट. इसमें देखिए क्या साइलेंट है, के साइलेंट है. द येलो पार्ट ऑफ द एग, येलो जो एग का येलो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यॉक. क्या बोलते हैं, यॉक. तो इसमें क्या साइलेंट है, एल. नेक्स्ट इज अनदर वर्ड फॉर मस्ट. मस्ट के लिए कुछ और वर्ड क्या हो सकता है, शुड. क्या हो सकता है, शुड. इसमें भी देखिए एल साइलेंट है तो यहाँ पर हम एल लिखेंगे. नेक्स्ट इज किंग यूज टू लिव इन दैम. किंग किसका यूज़ करता है उसमें रहने के लिए, कैसल. किसका, कैसल का. तो इसमें क्या साइलेंट है, टी. तो यहाँ पर हम टी लिखेंगे. नेक्स्ट इज बिफोर यू एंटर अ रूम डू दिस. आप जब भी रूम में एंटर होने के बाद क्या करते, पहले क्या करते हो, जब भी हम किसी कोई रूम में एंटर होते हैं तो क्या करते हैं, उससे पहले नॉक. क्या करते हैं, नॉक. तो नॉक की, नॉक में क्या साइलेंट है, के साइलेंट है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, के. नेक्स्ट इज गिफ्ट्स कम लाइक दिस. गिफ्ट्स कैसे आते हैं, रैप्ड. कैसे आते हैं, रैप्ड. तो इसमें क्या साइलेंट है, डब्ल्यू.
नेक्स्ट इज यू मस्ट डू दिस व्हेन योर टीचर इज स्पीकिंग. आपको क्या करना चाहिए जब आपकी टीचर कुछ बोल रही हो तो. लिसन, क्या करना चाहिए? लिसन. लिसन में क्या साइलेंट है? टी साइलेंट है. ओके नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन इज व्हेन डज द रेन लुक ब्यूटिफुल. बारिश कब सुंदर लगती है? द रेन लुक ब्यूटिफुल आफ्टर द डस्ट एंड हीट. मतलब धूल और धूप के बाद में बारिश बहुत सुंदर लगती है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोइट कंपेयर द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ्स. पोइट ने किस तरीके से कंपेयर किया है रेन रूफ्स पे जो साउंड आता है, जो आवाज़ आती है बारिश की, उसको किस से कंपेयर किया है? द पोएट कंपेयर द साउंड ऑफ द रेन ऑफ द रूफ्स विद द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स. किस से कंपेयर किया है? ट्रैम्प ऑफ हूफ्स मीन्स जो घोड़े के जो खुर होते हैं, जो पैरों में होते हैं, जो आवाज़ करते हैं, जैसे उसकी जैसे साउंड आती है ना, उससे उसको कंपेयर किया गया है. ओके नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट इज अ स्पाउट, व्हाई इज इट कॉल्ड ओवरफ्लोइंग. स्पाउट क्या होता है और इसको ओवरफ्लोइंग क्यों कहा गया है? स्पाउट इज अ ट्यूब और अ पाइप फॉर पोरिंग लिक्विड. स्पाउट क्या होता है? एक ट्यूब होता है या फिर एक पाइप टाइप का होता है जो कि लिक्विड के बहने के लिए होता है, जिससे कोई भी लिक्विड बाहर आ सके. व्हेन इट फॉल्स द लिक्विड, जब उसमें से लिक्विड निकलता है, बहता है उससे बाहर, पोर्स आउट द लिमिट्स एंड इट इज कॉल्ड ओवरफ्लोइंग. जब वो एकदम आउट ऑफ लिमिट होकर बाहर आता है, जब पानी उसके अंदर होता है, कोई भी लिक्विड या फिर कुछ पानी होता है पाइप में, वो आउट ऑफ लिमिट होकर बाहर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरफ्लोइंग स्पाउट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर इज वेयर डज द रेन वाटर फॉल पोरिंग. जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ बह रहा है? द रेन वाटर फॉल, रेन वाटर पोर्स अक्रॉस द विंडो पेन. कहाँ पर हो रहा है? जो खिड़की है उसके पेन पर, उस पर हो रहा है. ओके नेक्स्ट इज हाउ डज द रेन वाटर लुक लाइक इन द स्ट्रीट. जो बारिश का पानी है वो स्ट्रीट्स में, जो गलियों में, किस तरीके से दिख रहा है? द रेन वाटर लुक लाइक अ मडी टाइड इन द स्ट्रीट. कैसा लग रहा है वहाँ पर? जैसे मिट्टी से भर जाता है ना वो मिट्टी, और उसमें जो पानी होता है वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो वो क्या लग रहा है? मडी टाइड जैसा लग रहा है. नाउ नेक्स्ट इज हु वेलकम्स द रेन. बारिश का कौन वेलकम करता है? एवरी लिविंग थिंग वेलकम्स द रेन. हर किसी को बारिश का इंतज़ार होता है, तो हर कोई जो भी लिविंग थिंग है, हर किसी को बारिश का इंतज़ार होता है. जैसे कि हमें भी बारिश की ज़रूरत है, जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग होते हैं, उन्हें भी पानी की ज़रूरत है. बारिश की हर किसी को ज़रूरत होती है, तो एवरी लिविंग थिंग वेलकम्स द रेन. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर वन में वर्ड मीनिंग्स किए, एक्सरसाइज किए एंड क्वेश्चन आंसर्स किए. आपको वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स फेयर नोटबुक में डन करने हैं, और जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है वो आपको बुक में फिल करनी है. और उसके बाद में आपके लिए होमवर्क भी है. ये जो मैंने आज आपको करवाए हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स, ये आपको लर्न करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ़.